IDBI बैंक में न्यू वैकेंसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। IDBI बैंक का जो टाइप है वो MGESNNEIPL से है और इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। अलग अलग स्टेट से हर एक जोन आप यहां पे देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूं, इस चैनल पे मेडिकल नॉन मेडिकल वैकेंसीज आती है और टाइम पे नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे वैकेंसी के बारे में बता देती हूँ, जो कि टोटल 500 वैकेंसीज आई हुई है। ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में है, मेडिकल फील्ड में है, नॉन मेडिकल फील्ड में है, या फिर कॉमर्स रिलेटेड, आर्ट्स रिलेटेड, कोई भी आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन में आपकी डिग्री ही होनी चाहिए, डिप्लोमा यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, तो डिग्री वाले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज लिमिट रहेगी 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर देयर रूल्स एंड 17 मार्च का आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। सो टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू भी कंडक्ट होगा। ये 2 स्टेज प्रोसेस क्वालिफाई करने के बाद यहाँ पे IDBI बैंक में आप किस पोस्ट के लिए रिक्रूट होते हैं, तो यहाँ पे आपका जो पोस्ट आया है वो है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। सो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी आप देख सकते हैं। 17 मार्च को आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे बोर्ड टाइमलाइंस दी गई है, कट ऑफ डेट है 31 जनवरी 2024, जिसके अकॉर्डिंग आपका जो एज लिमिट है एंड क्वालिफिकेशन है वो चेक करना है। अगर कोई अपियरिंग कैंडिडेट है, लाइक अगर आप लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर में है, तब भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, वहाँ पर आपको प्रूफ सबमिट करना होगा कि आप पास हो चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 12 फरवरी से स्टार्ट होगी, 26 फेब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड इसके बाद कट ऑफ डेट मैंने आपको बता दिया है, आप इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए। बाकी आप यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए जैसे मैंने आपसे कहा कि आप ग्रेजुएट होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन किया है या अपियरिंग स्टूडेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ आप कंप्यूटर की जो प्रोफिशेंसी है, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आपके पास हो, मतलब आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज को प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज मिल जाती है यहाँ पे आपको। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं, 200 रुपीज़ SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। एंड बाकी अदर कैटेगरी के लिए या फिर जो जनरल से बिलोंग कर रहे हैं, 1000 रुपीज़ यहाँ पे फीस रहेगी। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के लिए आप यहाँ पे इस चीज़ को रीड कर सकते हैं। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है IDBI बैंक की, जहाँ पर आपको विजिट करना है और ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे पेमेंट और फीस के बारे में बता दिया है, मोड्स के बारे में दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, कुछ डॉक्यूमेंट्स है एज रिलेटेड एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिलेटेड जो आपके पास होने चाहिए। अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उससे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। देन सेलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और ये रिटन टेस्ट आपका ऑनलाइन होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हर एक सेक्शन से कितने क्वेश्चन होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का ही होगा। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होगी 0.25। सो लॉजिकल रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन से 60 क्वेश्चंस होंगे, इंग्लिश से 40, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी 40, जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड 60 क्वेश्चंस होंगे। सो 2 घंटे का ये पेपर कंडक्ट होगा और इसके बाद जैसे जैसे क्वालिफाई करेंगे आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू में आपको आंसर हिंदी में करना है या इंग्लिश में, ये आपके ऊपर है, आपको ये ऑप्शन मिलता है, तो आप कोई भी एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। इसमें आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं सो दैट आप फाइनल सिलेक्शन के लिए जा सके। तो मिनिमम 50% आपको स्कोर करने होते हैं इंटरव्यू में। एन एस सी एस टी ओ बी सी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए 45% है। कंबाइंड फाइनल स्कोर जो होता है कैंडिडेट का, वो आपका फाइनल लिस्ट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। करियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड सैलरी की बात करते हैं, तो सबसे पहले जैसे आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे आपकी 6 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है एंड उन 6 मंथ्स की ट्रेनिंग में आपको 5000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। उसके बाद 2 महीने की इंटर्नशिप होती है, जिसमें आपको 15000 पर मंथ दिया जाता है। तो टोटल 8 मंथ ट्रेनिंग प्लस इंटर्नशिप के बाद फाइनली यहाँ पर आपकी सैलरी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। जो एज पर रूल यानी कि IDBI की जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी सैलरी पैकेज है, वो आपको दिया जाता है। तो जैसे कि ये ग्रेड ओ ऑफिसर से 3 साल के सर्विस के कंप्लीशन के बाद आपको ग्रेड ए के लिए प्रमोट किया जाता है। तो
इसके टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, सर्विस बॉन्ड, रिजर्वेशन, ये सारी डिटेल्स को देखने के लिए इन्फिनिट लेक्चर्स के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा और भी कई सारी डिटेल्स ले सकते हैं आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए। तो और भी इन्फॉर्मेशन के लिए या ऐसे और भी वैकेंसीज़ के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। अगर आप बैंक में ही किसी पोस्ट के लिए रिक्रूट होना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा बता सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए पर्टिकुलरली और भी वीडियोज़ लेके आऊँ वैकेंसी से रिलेटेड। ठीक है, सो मिलते हैं बहुत जल्द और भी वैकेंसीज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।